हेलो दोस्तों, पीवी रेगोटेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये पे देखिए अभी एक कैपेसिटर रखी इंडक्शन के, जो कि अपना 1200 वोल्ट 0.3 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो कैपेसिटर है, इसको कंफर्म कैसे चेक करना है उसके ऊपर आज का वीडियो निकाला है। तो वीडियो पे आखिर तक दोस्तों बनी रही। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो कैपेसिटर होती है, इसकी वजह से क्या है दोस्तों, बहुत सी बार IGBT शॉर्ट होता रहता है। आप IGBT चेंज कर दो, लेकिन बार बार जो शॉर्ट होता रहता है, जो आपका कैपेसिटर वीक होता है, तो ये आपका कंफर्म चेक नहीं होता था कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, वीक है या सही। तो ये कंफर्म चेक नहीं होता। तो कैसे करना है कंफर्म, मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ। देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूँ मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर आपको क्या है दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर कैपेसिटर अपना चेक हो जाता है। यहाँ पे देखिए 200 माइक्रोफेरेड तक आपका चेक हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 200 नैनोफेरेड और यहाँ पे 20 नैनोफेरेड। यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर अपने चार रेंज होते हैं। तो आपको क्या करनी होती है, मल्टीमीटर के लिए जो यहाँ से जो हम जहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं वहाँ से निकल के अपने को यहाँ पे जो मिली एम्पियर होता है उसके अंदर अपने को सेट करनी होती है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने पहले से जो सेट करके रखे। तो अभी देखिए मल्टीमीटर हम क्या करेंगे, 2 माइक्रोफेरेड पे सेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो वैल्यू है 0.3 माइक्रोफेरेड है। तो इसके ऊपर अपने को कंफर्म जो चेक हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.365 माइक्रोफेरेड दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मतलब अपने कैपेसिटर सही, लगभग अपना सही माना जाए, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि सही है। देखिए 0.3 माइक्रोफेरेड बता रहे हैं। देखिए भी एक दूसरा देखिए दोस्तों, ये भी हम इसको भी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये भी 0.329 माइक्रोफेरेड बता रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा कम बता रहे, लेकिन अभी ऐसे तो सही बता रहे हैं। अभी देखना अभी मैं क्या करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 220 वोल्ट AC देंगे ये कैपेसिटर में। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो कि देखिए यहाँ पे 630 वोल्ट AC पे भी आपका काम करेगा और 1200 वोल्ट DC पे। देखिए यहाँ पे देख सकते हो 630 वोल्ट AC पे काम करते हैं और 1200 वोल्ट DC में। जैसे तो देखिए दोस्तों अभी इसको अपने को क्या सीरीज से चार्ज करना है। चलिए मैं अभी आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने पास यहाँ पे सीरीज सप्लाई 230 वोल्ट AC का देख सकते हो, अभी इसको चार्ज करेंगे। देखिए दोस्तों ये चार्ज अभी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, आपको दिख रही है, नहीं चार्ज अभी हो गए। तो अभी क्या है, इसको डिस्चार्ज करना है अपने को। देखिए अभी कैसे करते हैं, देखिए अभी इसने जो थोड़ा सा इसके अंदर स्पार्किंग हुई, मतलब ये अपना वैसे तो सही। फिर आपको क्या करना है, और दो तीन बार जो इसको चार्ज करके डिस्चार्ज करना है। देखिए अभी मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे अपने को चार्ज करना है और यहाँ पे इसे डिस्चार्ज करना है। ओके दोस्तों, फिर से हम क्या मल्टीमीटर पे चेक करेंगे इसकी जो वैल्यू सही आ रही है क्या गलत हो गई। देखिए दोस्तों वैल्यू अपनी सही है, मतलब ये कैपेसिटर अपना सही है। बहुत सी बार क्या होता है दोस्तों, आपका कैपेसिटर की जो वैल्यू मल्टीमीटर के ऊपर सही दिखाता है, लेकिन जब भी उसके ऊपर लोड गए थे, मतलब हम जैसे इंडक्शन ऑन करते हो, तो क्या है आपका दो तीन बार जो चार्ज डिस्चार्ज ऐसे होता है, तो उसके बाद ये वीक हो जाता है, तो उसके वजह से आपका IGBT शॉर्ट ऑफ कर देता है। तो ये कैपेसिटर आपको ऐसे चेक करना है, दो से तीन बार आपको चार्ज डिस्चार्ज ऐसे करके फिर से वैल्यू चेक करनी है इसकी, तो उतनी वैल्यू दिखानी चाहिए। देखिए अभी बिल्कुल सही बता रहे, देख सकते हो। तो ऐसे ही आपको ये भी आप चेक कर सकते हो, सेम यही जो तरीका है इसके अंदर भी रहेगा। देखिए अभी अपना चार्ज हो गया, यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे, थोड़ा स्पार्क आपका कम होगा दोस्तों, क्योंकि जो इसकी वैल्यू अब कम रही थी 0.3 माइक्रोफेरेड, मतलब वैल्यू जो कम रही थी उसकी वजह से जो स्पार्क है आपका थोड़ा सा कम होगा जब भी आप कैपेसिटर डिस्चार्ज करेंगे उस टाइम पे। देखिए ये बिल्कुल थोड़ा हल्का सा स्पार्क करा। देखिए अभी फिर से आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे तो उतनी वैल्यू दिखा रहे, देख सकते हो, मतलब अपना जो कैपेसिटर है सही माना जाएगा। ओके दोस्तों, मतलब तीन से चार बार करके आपको जो चेक करनी है, तो अपना कैपेसिटर सही माना जाएगा। देख सकते उतनी जो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे, मतलब अपना लोड पे भी अपना सही से जो काम कर रहा है, तो ऐसे आपको चेक करना। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।